नमस्कार, काशी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शशि कुमार शानवीर के साथ आप देख रहे हैं काशी एक्सप्रेस वर्ल्ड न्यूज चैनल KWNC। तो चलिए देखते हैं पूर्णिया से मनु कुमार की क्या है रिपोर्ट। द्वितीय चरण की मतदान जारी। मतदान के बाद लोगों की प्रतिक्रिया, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान, सुरक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद। तो आइए देखते हैं पुणे से मनु कुमार की रिपोर्ट के साथ, वहां की क्या है रिपोर्ट। वोटिंग की है? हाँ, की है। कैसा लगा वोटिंग? अच्छा लगा वोटिंग। धूप में तो कोई दिक्कत नहीं? पूरा बढ़ चढ़ के निकल गए। अच्छा रहा ना सब कुछ? अच्छा रहा। अच्छा, इस बार जो वोटिंग किए तो क्या मुद्दा रखे हैं, क्या लेके चल रहे थे मन में? अभी क्या बता सकते हैं? यानी नहीं, रिजल्ट आएगा वो बात सही है। हम नहीं पूछ रहे हैं किसको दिए, हम पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या रखे हैं, जैसे विकास मुद्दा रखे हैं, विकास के लिए वोट दिए, विकास के लिए वोट दिए, बिहार में ज्यादा विकास हो, वोट दिए। वोट देना कितना महत्वपूर्ण है, सभी को देना चाहिए। यहाँ पे लोग हिस्सा ले रहे हैं ना वोटिंग में? सब हिस्सा ले आ रहे हैं। ये कौन सा जगह है? गुवाहाटी है, पूर्णिया का गुवाहाटी। गुवाहाटी में तू दे ला चाची वोट? कितना दिन से दे रहे हैं चाची वोट? कितना दिन से दे रहे हैं वोट? बहुत दिन से दे रहे हैं वोट। आप पहले जो वोटिंग होता था, अभी का क्या अंतर लगा आपको? पहले से तो अभी बहुत अच्छा। आप साल में तो अच्छा लगता है? अब अच्छा है? सारा व्यवस्था वगैरह अच्छा है? खूब अच्छा। अच्छा, यहाँ पे यानी शेडो यानी धूप से बचने के लिए दिया है कुछ? दिया है, बहुत दिया है। पानी वानी का व्यवस्था है यहाँ? यहाँ वोट करने आता है सबको दिक्कत उक्कत नहीं हो रहा है? सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, वो दिखाइए तो, यानी वोट जो दिए हैं उंगली में लगा है, इंक दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए सर, ये सबूती है मेरा पास। अरे तो आप लोग तो अच्छा वोट दिए, वोट दिए। क्या रखे हैं चाचा इस बार मुद्दा, यानी वोटिंग का मुद्दा? समझ के वोट किए एकदम विकास समझ गए बिहार में सबसे ज्यादा वोट देना बोल रहा है ना। हां, अपना अपना वोट गिरा दिए हैं, जिसमें गिराना है गिरा दीजिए। हाँ, गिरा दिए हैं। आप ही का नाम कहा जाएगा तो आप ही कब? नहीं, हम नाम किसी का नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि आप विकास रखे हैं मुद्दा के, यानी ऐसे यानी कुछ नहीं, पूर्णिया में काम वाम को देख के ना वोट कर रहे हैं आप लोग? आपका हुआ वोटिंग हो गया, दे दिए। कैसा लगा वोटिंग करके? अच्छा लगा ना, 5 साल के बाद आता है लोकतंत्र में, आप लोग को यानी चुनने का मौका दिया जाता है डायरेक्ट हाथों में, तो किस मुद्दे पे इस बार आप लोग यानी वोटिंग किए? विकास के मुद्दे देख रहे हैं। और पूर्णिया में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या लग रहा है आपको बन रहा है? तो अच्छा, अच्छी बात है क्योंकि हम लोग का पर्यटक भी बन जाएगा और हवाई अड्डा को वगैरह को देख रहे हैं। हाँ। तो अभी तो बनाना है नहीं, मतलब ये हो गया है, हो गया है, हो गया, बनेगा। अच्छा, यहाँ जो वोटिंग करने आए मैम, यहाँ पे सुविधा क्या क्या है? सारा सब कुछ ठीक ठाक था ना? बहुत अच्छा। कोई तरह की परेशानी वगैरह? बहुत जगह यानी दिक्कत हो रही है महिलाओं लोग को, इसे यहाँ पे सारा कुछ? नहीं, यहाँ सब पानी वानी का व्यवस्था रखा गया, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आए मैम? गुवाहाटी ही है। चलिए, थैंक यू मैम। अच्छा, वोट डाल दिए आप? जी बिल्कुल। आप फर्स्ट टाइम डाले हैं आप? कैसा अनुभव रहा, क्या क्या कैसा लगा आपको? अच्छा देखा? लगा मुझे पहली बार वोट देके। अच्छा लगा? आप सुनते आ रहे थे बहुत दिन से लोग वोट करता है, आप इसका इंतजार कर रहे थे, आज वोट दिए आप, किस मुद्दों के लेके वोट दिए? मतलब हाँ, विकास हो या क्या, यानी क्या चीज के? विकसित हो और क्या, उसी को लेके आप लोग वोटिंग किए हैं। तो कैसे यानी नेता को चुनना पसंद कर रहे हैं आपके, यानी जो अपना पूर्णिया के लिए या देश के लिए काम करे, किस टाइप के? जैसे देश के लिए तो काम करे बीजेपी सरकार, पूर्णिया का जहाँ बात रहा संतोष कुमार। संतोष कुमार है तो आप लोग यानी संतोष कुमार को ही चुने हैं यानी इस हिसाब से?
तो यानी आप लोग विकास के मुद्दे पे वोट किए हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप और क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए? आप लड़की हैं जैसे, तो क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के? लड़की लोग के लिए मतलब यही हो, मतलब कि जॉब वॉब को अच्छा ढंग का मिल जाए, अच्छा सब कुछ करे सरकार। तो अभी तो बहुत यानी लड़कियां हो या युवा को, वो सब तो बेरोजगार के बारे में ज़्यादा कहते हैं, तो आपको क्या ये चीज़ के बारे में पता है? जी बेरोजगार को मतलब था ठीक करना चाहिए, वैसे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये चीज़ है, आप मानते हैं चीज़ को? तो जो भी आप यानी अपने यानी सरकार में जीत के आएगी, सरकार तो जो भी करे बहुत अच्छा ही कर रहा है और अच्छा करेंगे भी। हम लोग को जो देना था वो दे दीजिए, उनको चुनना था चुन लिए। तो आप लोग चुन लिए तो आपका उनको भी तो यानी सरकार का भी तो ये जिम्मेवारी है कि हम उनको अपने जो युवा को बेरोजगार है उसको रोजगार दें। जी बिल्कुल। तो उनका भी तो ये कर्तव्य बनता है सरकार का। वो कर ही रहे हैं और करते ही हैं और होगा भी, सब कुछ सही होगा, पर टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा तो ऐसे में तो फिर आप भी तो टाइम के पीछे में रह जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पर देंगे बीजेपी को। नहीं, हम ये नहीं यानी वोटिंग आप किन्हीं को कीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है यानी, पर यानी ये चीज़ जो ये दो चार जो मुद्दा है यानी अपना यानी, तो वो सबको खत्म होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोट दिए, क्या कैसा अनुभव लगा? जो और है देने वाले लोग उनको क्या कहेंगे? देखिए, हम तो जिनको वोट दिए हैं हम तो उनको वही कहेंगे कि आप उन्हीं को वोट दीजिए, पर सबकी अपनी अपनी लाइफ अपनी मर्जी है, अपने तरीके से चुने। सबको यानी वोट देने आना चाहिए ना। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तभी तो आए। क्या नाम है आपका? घर का है? घर ग्वासी। ये बताए वोटिंग किए आप? जी हाँ। वोटिंग किए, क्या देख के किए? समाज का उत्थान को देखते हुए किए। क्या अगर जिस तरीका का आपका वोट देने का अधिकार है, आप जो अपना वोटिंग बहुमूल्य अपना वोट दिए, तो क्या चाह रहे हैं कि किस तरीका का आपका वोट से सरकार बने? देखिए, हम लोग जितने भी दलित शोषित समाज हैं, ग्रसित समाज हैं, इसीलिए इस बार हम लोग समाज सेवक को ही नेता माने हैं और हम लोग उसी को वोटिंग कर भी रहे हैं। कर दिया वोट? जी हाँ, कर दिया। तो वोट देना कितना महत्वपूर्ण है? वोट देना ही समाज का उत्थान के लिए एक रास्ता बच गया है। क्या नाम हुआ आपका? परवीन कुमार पासवान। आप वोट किए? किए। क्या देखकर वोट किए? विकास देखकर किए, विकास जो होना चाहिए, एक नया चेहरे को लाने की कोशिश की है। और पूर्णिया में जो समाज सेवी कर रहे हैं कार्य, उसको वोट किए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी? पूर्णिया में बदलाव चाहिए और नई विकास की आगाज चाहिए, इसीलिए वोट किए। आप भी बोल दीजिए वोट किए। भैया बोल दीजिए वोट किए।